देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। लिफ्ट देकर पहले लूटपाट फिर हत्या की वारदात को दिया अंजाम। जी हां, मामला धारूहेड़ा के सेक्टर 6 का है, जहां लिफ्ट के बहाने गिरोह लोगों से लूटपाट कर उनकी हत्या कर देते थे, जिसका खुलासा धारूहेड़ा की सेक्टर 6 थाना पुलिस ने किया है। अब तक गिरोह द्वारा 4 हत्याएं और 1 हत्या की कोशिश की जा चुकी है। वहीं गिरोह में शामिल सदस्यों की पहचान मध्य प्रदेश के दतिया निवासी विशाल, गौतम बुद्ध नगर के गांव मकीमपुर सिवाड़ा निवासी आयुष उर्फ मयंक, उत्तर प्रदेश के एटा निवासी अशोक और गुरुग्राम के मोहल्ला सूरत नगर निवासी महेश के रूप में हुई है। फिलहाल विशाल और मयंक को रेवाड़ी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रेवाड़ी पुलिस की सूचना के बाद आरोपित महेश और अशोक को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार किया है। डीएसपी अमित भाटिया ने आरोपियों की कुछ जानकारी दी है, सुनिए। संदीप नामक एक व्यक्ति की निर्मम हत्या कर दी गई थी अर्ली आवर्स में, तो उस संबंध में सेक्टर 6 थाना क्षेत्र में मुकदमा दर्ज किया गया था 302 आईपीसी सेक्शंस में। और इस संदर्भ में इन्वेस्टिगेशंस के दौरान पुलिस ने अभी 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया था। फर्दर इनका इंटेरोगेशन दोनों व्यक्तियों का किया गया, तो उसके दौरान पाया कि इन्होंने और भी हाईवे पे हत्याएं की हुई हैं और इन्होंने 3 और हत्याएं कबूली। तो कुल मिलाकर ये 4 व्यक्तियों की हत्या कर चुके हैं। इनके साथ 2 व्यक्ति और हैं, उनको भी जो हमारे द्वारा गुरुग्राम पुलिस से उनके संबंध में जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी वो शेयर कर ली गई और गुरुग्राम पुलिस ने 2 व्यक्तियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो ये 4 व्यक्तियों का गैंग था जो कि जो राह में जो चालक होते थे या लिफ्ट कोई मांगता था उनको ये लिफ्ट देने के बहाने उनको एक सुनसान जगह में ले जाते थे और उनको लूटते थे, और इसी प्रकार से लूट करके उस व्यक्ति की हत्या कर देते थे। और 4 व्यक्तियों की इन्होंने अभी तक हत्या की है। 1 व्यक्ति को इन्होंने मृत अवस्था में, इन्होंने ये जानकर के ये मृत हो गया है, वो छोड़ दिया था, परंतु लकीली युवा से वो बच गए। उस संबंध में भी जो थाना बादशाहपुर है उसमें मुकदमा दर्ज है। इन आरोपियों ने 26 जून को हाईवे स्थित मनट ढाबा से एक व्यक्ति को लिफ्ट देकर मानेसर के जंगलों में ले जाकर लूटपाट की और बाद में उसकी गर्दन पर चाकू मारकर वहीं फेंक दिया। देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़।